प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि हमारे खान पान की व्यवस्था ऐसी हो कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कुपोषित न रहे। चावल के उत्पादन की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो आज हम 130 मिलियन टन पर खड़े हुए हैं। 2010 से अगर हम तुलना करेंगे तो मैं समझता हूँ कि लगभग 46% की वृद्धि हुई है, जिसमें हमारे किसानों का परिश्रम और वैज्ञानिकों के रिसर्च का निश्चित रूप से योगदान है। आज चावल की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निर्यात की दृष्टि से हम देखें तो हम पहले नंबर पर खड़े हैं, लेकिन हमारे सभी वैज्ञानिक और किसानों का प्रयत्न है और इच्छा है कि हम हर दृष्टि से नंबर एक ही न रहें। दुनिया की जो आवश्यकता है, उस खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ण करने की दिशा में हमारे कदम निरंतर बढ़ते रहें। कृषि का क्षेत्र निरंतरता का क्षेत्र है, उतार चढ़ाव का क्षेत्र है, प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करने वाला क्षेत्र है, इसलिए अनेक प्रकार की चुनौतियाँ कृषि के क्षेत्र के समक्ष आती ही रहती हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी के सानिध्य में इन 8.5 वर्षों में लगातार इस बात की कोशिश की है कि किसान को नुकसान की भरपाई हो सके, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसा सुरक्षा कवच मिले। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अभी तक 11.5 करोड़ किसानों को 2,24,000 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा करा के उनकी आय बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। कृषि के क्षेत्र में लागत कम करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, पानी की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो, निजी निवेश हो, इस दृष्टि से भी इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर काम कर रही है, इसके लिए भी बजट में इस बार 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे किसी भी किसान को, जो छोटा किसान है जिसकी संख्या देश में 86% है, यह किसान किसी साहूकारी कर्ज में न दबे, इसलिए अल्पकालिक ऋण के रूप में जहां 2014 तक यह ऋण 6-7 लाख करोड़ हुआ करता था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया है। इससे भी निश्चित रूप से किसान की ताकत बढ़ी है। लगातार भारत सरकार की यह कोशिश है कि किसानी के क्षेत्र में निजी निवेश आए, और इसके लिए कि कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए लगभग आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के रूप में, 15,000 करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 20,000 करोड़ रुपया फिशरीज के लिए, 4,000 करोड़ रुपया औषधि खेती के लिए, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए, 10,000 करोड़ रुपया छोटी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। इसके कारण भी निजी निवेश के दरवाजे खोले हैं और गांव तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचना है उसको पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में अभी तक जो परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं उनमें 16,000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है, और इसका प्रसाद भी आने वाले कल में हमारे देश की कृषि को मिलने वाला है। हमारी कोशिश है कि 1 लाख करोड़ रुपया जल्दी से जल्दी जमीन पर पहुँचे, इसमें निजी पैसा भी मिले और निजी निवेश मिलकर निश्चित रूप से कृषि को उन्नत कृषि के रूप में और कृषि को फायदे की कृषि के रूप में तब्दील करने में हम लोग आगे बढ़ें। मुझे आज आप सब के बीच में उपस्थित रहते हुए बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि यहाँ देश और विदेश से सभी वैज्ञानिक गण उपस्थित हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का सानिध्य, उनकी उपस्थिति हमको उत्प्रेरित करने वाली है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में अनेक विचार विमर्श होंगे,
आने वाले कल का रोड मैप बनेगा और जो निष्कर्ष आएंगे वो उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होंगे। मैं इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पुनः एक बार आप सब की ओर से, मंत्रालय की ओर से, महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय हिंद, धन्यवाद।